अल्लाह वियर्स हेल्थ स्पेशल के साथ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर फातिमा फ़ारूक आज हमारा प्रोग्राम जरा सा स्पेशल है आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हमारा टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड है वो है नो टोबैको डे जो थर्टी फर्स्ट मे को वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट किया जाएगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट डॉक्टर असदुल्ला फारूक साहब

कि मैं इन के ऊपर डिस्कशन कर सकूँ शुक्रिया अब हमारे जो मौजूद है नोटैको डे पे है दूसरा हमारा है जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की मौजूदा सूरत है, हाल है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उस पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा हमारी जो समाजियात हैं उनमें उनका क्या अमल दखल है आजकल के इंसानों की जहनी नशोनुमा है और उनको एक तंग, आ, उनकी तंदरुस्ती के लिए ये सारे आज के हमारे मौजुआत है जिनको हम कवर करेंगे तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी की जो नॉट टोबैको डे है उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखें डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इकतीस मई को आ, हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाती है आ, इसके बहुत सारे इसके बुनियादी मकासद हैं जिनमें सबसे बड़ा मकसद ये है कि सिगरेट नोशी और टोबैको से रिलेटेड जो डिजीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो अमराज इस वजह से फैलते हैं जो तम्बाकू नोशी की वजह से फैलते हैं उनको कम किया जा सके और इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा सके ये मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि इस दफा इस साल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का थीम है वर्ल्ड को लेके, वो ये है ग्रो फूड नोट टोबेको जिसका मतलब ये है बेहतर चीज से जी बिल्कुल इस दफा उनकी जो जिसका जो जहां से इसका आ, इसकी कंसेप्शन आई है वो ये है कि दुनिया में फूड क्राइसिस है जो right. लोगों की आबादी है वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो रोज ब रोज बढ़ रही है और साल ब साल उसमें एक इंक्रीज आ रहा है लेकिन जो फूड की हमारी प्रोडक्टिविटी है या फूड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है वो दुनिया की लार्जली बहुत अरसे में बड़ी है पिछले कई सालों के अंदर लेकिन अभी भी वो उस उस उतनी नहीं को है नहीं पूरा कर जी नीड को पूरा नहीं कर पा रही होती और तो इसलिए उनको कहा कि जिन फील्ड्स के अंदर क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी फील्ड हैं स्पेशली इन साउथ अफ्रीका इन कीनिया इवन हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे काश्तकारी होती है और उस लैंड को फूड अजनास के लिए गंदुम के लिए चावल के लिए और उन चीजों के लिए जो कि आम इंसानी बुनियादी की चीज़ों के लिए उगाया जा सकता है उगाया जा सकता है तो ये एक एक देखें एक बुनियादी तौर पर नोटबेको तमकू नशी मुजर सेहत है और इस वाले से कैंपेन तो बहुत अरसे से जारी है हम देखते हैं कि किस तरह से पिछले तीस चालीस साल के अंदर हमारे पास एक आ, क्लिनिकल डाटा आया है कि जिसमें हम हर तरह की बीमारी जिसका आप जिक्र कर सकते हैं जिसके साथ लिंक स्मोकिंग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक मौजूद है हम देखते हैं किस तरह से हाइपर टेंशन डायाबिटीज कैंसर स्पेशली जो मुंह का कैंसर है लेरिंग्स यानी हमारी जो आवाज आवाज बनाने वाली जो जगह है आवाज बनाने वाला जो हमारा खाना है उसका कैंसर है लंग्स का छाती का सरतान है इन तमाम में तम्बाकू नोशी का बहुत ज्यादा रोल है और जिस तरह हम उसके बाद जिक्र करें तो सी ओ पी डी जो बीमारी है सांस की जिसको हम आ, आ, जो कहते हैं कि एक बंदा बड़े अरसे तक जब तम्बाकू नोशी के इफेक्ट्स पे रहता है तम्बाकू तो तो नोशी उसके, उसके जवाब दे जाते हैं एक तरह से फेफड़े जवाब दे जाते हैं तो आ, वो भी इससे बहुत ज्यादा डायरेक्टली तौर पर लिंक है इसके अलावा भी इसके अलावा डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि इसका माशी जो बर्डन हुँ। है हुँ। और ये सिर्फ ये नहीं कि खास तबके के ऊपर है ये तो एक पूरा हम देखते थ्रू आउट द सोसाइटी एक बहुत बड़ा मेजर बर्डन है लोगों पे मतलब लोगों के अगर एक आम आदमी एक मजदूर है उसके पास रोटी के पैसे हो या ना हो पर वो जाके सिगरेट के पैसे जरूर कहीं ना कहीं से पूरी करेगा और फिर उसकी जो रोटी के जो पैसे है बेशक उससे उसे काटने पड़ जाए हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत जबरदस्त आपने बात की क्योंकि इसी से मुझे एक स्टेटिस्टिक्स uh, भी याद आता है कि किस तरह से बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जो इस वाले से रेलिवेंट हैं uh, मिसाल के तौर पर एक गैट्स एक सर्वे है uh, जो दुनिया भर में जो स्मोकिंग की हैबिट्स है लोगों का उसका सर्वे करता है तो वे कहते हैं कि उन पाकिस्तान के अंदर उन्नीस इशारिया uh, उन्नीस फीसद से ज्यादा लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं और जिनमें लेकिन सत्तर परसेंट तक लोग ऐसे हैं जिनको पैसिव स्मोकिंग मिलती है क्योंकि वो किसी ऑफिस में ऐसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे कोई और बस बंदा स्मोक सफर कर रहे होते हैं, होते हैं। या बस में सफर कर रहे होते हैं या वो दूसरे ऐसे स्मोकर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें पैसिवली ये स्मोक इनहेल करना जैसे जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं कई दफा मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स उनके मुंह पे कर रहे होते हैं बच्चे उसको ना चाहते हुए भी इनहेल कर ही रहा होता है देखें एक बंदा जो खुद सिगरेट पी रहा है वो तो जाहरी तौर पर हम उसमें भी हम उसपे भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से उसके बहुत सारे अवामिल हैं किस तरह एक जो केमिकल निकोटीन है वो एक एडिक्टिव केमिकल है और किस तरह ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं न्यूरो रिसेप्टर्स हैं वो उसके बाद वो इसको बिल्कुल ऐसे जैसे एक एडिक्शन होती है उस तरह से उसको ट्रीट करता है आ, लेकिन उसके बहुत सारे महरिकात हैं उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन जहां तक अदाद शुमार का मैं बात कर रहा था वो ये था कि दो के अंदर जो पी के पाकिस्तान में एक इदारा है आ, उनकी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन एक लाख तिरसठ हज़ार जो लोग हैं वो डायरेक्टली स्मोकिंग रिलेटेड से फौत हुए हैं जिनमें से इकतीस हजार लोग ऐसे हैं जो है जिन्होंने खुद जिंदगी में एक सिगरेट भी नहीं पिया बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, ये इतनी बड़ी स्टेटिस्टिक जो उनकी तरफ है जो पैसिव स्मोकिंग की वजह से आए हैं तो एक सिग्निफिकेंट वो सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है उसका तो इन लोगों Uh, को उन तमाम uh, मसाइल का उन तमाम अमराज का और उन तमाम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार बनना पड़ा है जिसकी चॉइस या जिसका वो खुद नहीं लेते थे वो, कि इस कि वो ऐसे ऑफिस में जहाँ पे दो बंदे सिगरेट पी रहे हैं या चार बंदे सिगरेट पीते हैं या वो एक ऐसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पे उनके को तम्बाकू नोशी कर रहे हैं तो ये एक लार्मिंग स्टेटिस्टिक्स है बल्कि अगर एक पार्क में भी कोई चला गया है तो उसको चारों नाचार वहां पे भी इसकी स्मोक का सामना करना पड़ता है हुँ, हुँ, जो कि अपने लिए वो तो गया अपनी सेहत के लिए और वहां से उसको एक और बीमारी की जो आपने कहा स्मोकिंग के स्मोकिंग भी बहुत सारे क्योंकि तरीकाकार है सिगरेट है आजकल हम देखते हैं वेप दुनिया में है जिसको मेडिकली कदरे बेहतर समझा गया है क्योंकि उसमें केमिकल की क्वांटिटी शायद कम होती है वो रिकमेंडेड तो जहाँ तौर पर नहीं, नहीं है लेकिन फिर भी वो जो टबेको स्मोक है उससे कई गुना ज्यादा इस्तेमाल होती हुँ, है हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तम्बाकू नोशी या तम्बाकू से मुजर जो असरात हैं वो तो किसी सवालिया निशान के बगैर हमारे सामने हैं कि स्मिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसके बाद कि क्या वो अवामिल या क्या ऐसे एक्शन किए जाएं जिसकी वजह से हम अब खासकर अपनी यूथ को और जनरली पॉपुलेशन को हम डिस्करेज कर सकें और स्मोकिंग से और इस हैबिट से हम आहिस्ता आहिस्ता बत्रीज दूध लेके जा सकें तो क्वेश्चन लाइज ओवर देयर इसमें यह भी है कि गवर्नमेंट जो है उसको वो कहती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा रेवे आता है इससे हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब इस पर कर देते हैं तो इससे हमारा फायदा है नहीं। नहीं। तो मगर शायद वो इस बात को नहीं असेस कर पा रही हमारे पास उसकी स्टडीज इतनी मौजूद है अगर आप सिगरेट पे टैक्सेशन कर रहे हैं मगर जो सिगरेट की जो बीमारियां जो टबैको की वजह से हो रही हैं अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उसके हेल्थ पे और जो उसकी क्यूरेशन क्यूरेटिव मेजर्स हैं उसके ऊपर कितनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है फिर और आपका सरमाया जो आपका लग सकता था किसी अच्छी पे वो आपको मौजूद है, है।, है पाकिस्तान के अंदर जो स्मोकिंग की इंडस्ट्री है ये एक अंदाजे के मुताबिक दो हजार उन्नीस में तकरीबन छह सौ पंद्रह बिलियन रुपीज का एक बिजनेस लेकर आती है यानी इत ये वो कैश uh, फ्लो है जितना ज्यादा लोग खरीद लेकिन क्या ये पैसा पाकिस्तान पाकिस्तानियों के पास आता है या नहीं तो वो भी एक सवाल है ये भी एक सवाल है ये ये और ये जो इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी को ज्यादा अच्छा समझने वाले लोग हैं वो इस पे ज्यादा अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि वो तमाम तरह जो कंपनीज हैं जिस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नाम लेना तो शायद अभी मुनासिब नहीं है लेकिन वो इंटरनेशनल है तो हम एक तरह से वो टोबैको जब खरीदते हैं हम तो हम एक तरह से अपना जो सरमा है वो उन कर रहे हैं। वो बाहर ट्रांसफर करते हैं और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जित ये भी एक स्टेटिस्टिक्स का हिस्सा है कि आप जितने पैसे टैक्स की शक्ल में कमाते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर उससे पांच गुना ज्यादा आप फाइव टाइम्स आप जाया कर देते हैं उन बीमारियों के तदारक के लिए जो कि स्मोकिंग की वजह से हो रही है जिसका मतलब ये है कि जितने पैसे आपके लंग कैंसर आ, आ, pressure, दिल, के pressure, दिल की बीमारियाँ फालिज बहुत सारे ऐसे और बीमार मेटाबोलिक जिनकी हम बात करते हैं वो तमाम पे आपका जो हुकूमत का खर्चा है वो तकरीबन पांच गुना ज्यादा होता है।, है तो ये बात भी एक लम्हा फिक्री है कि किस तरह से ये एक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके नुकसान ही नुकसान है और मेरा ख्याल है है कि की भी जरूरत जो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि इस पे टैक्स बढ़ा दें पैसे बढ़ा दें और बाद में जो उसके जो पॉलिसी नहीं बनाए उस पर उसको दुकान करने हुँ, के लिए तो हाँ जी तो, हाँ मैं इस पे पर है कि इस किया किया जाए सवाल ये है तो आज मेडिकली बात हो रही थी तो मेडिकली भी हम ये क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड क्या करता है हुँ. बरतानिया में अमेरिका में उसके लिए क्या किया जा रहा है ताकि हम उनको शायद मनोवन तो नहीं लेकिन हम उनको किसी अंदाजा किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं तो जिस तरह मैं बरतानिया की मिसाल दूंगा कि वहां पर स्मोक फ्री हेल्पलाइंस एग्जिस्ट करती हैं सही ये बुनियादी तौर पे ये बात तो एक कही जा सकती है कि यकीनी तौर पे उनके पास हमसे ज्यादा पैसा है वो एक शायद फलाही रियासत होने के ज्यादा करीब है और उस पर वो खर्च भी शायद ज्यादा करते हैं आ, तो उनके पास वसाइल शायद ज्यादा है लेकिन जो ऑप्शन है वो क्या है मेडिकली स्पीकिंग तो हम एक तो ये कि स्मोक फ्री हेल्पलाइन है कि लोग जहां पर फोन करके डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग शुरू करते हैं डिप्रेशन एंगजाइटी जिन पे हम डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तो वो भी एक ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग की तरफ जाते हैं फिर आपका पीयर प्रेशर है प्रेशर आपके इर्द गिर्द नौजवान दू दूसरे स्मोक करते हैं तो कैसे लगते हैं फिर आप जो मूवीज के अंदर फिल्म के अंदर प्रोपागेंडा देखते हैं इफेक्ट तो कर रही होती है मुझे कूल समझा जाएगा cool या मुझे अच्छा समझा जाएगा या मुझे एक, जाएगी uh, मेरी में। जी माशरे एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी तो ये भी वो अवामिल है तो पे तो अवेयरनेस की जरूरत है इस पे एजुकेशन की जरूरत है वो फर्स्ट वर्ल्ड में भी हो रही है हमारे यहाँ भी हो रही है वो होनी भी चाहिए लेकिन क्या क्या हेल्प 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 हम दे सकते हैं तो स्मोक फ्री हैं उनको हेल्प कर सकते हैं इसके अलावा है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है थेरेपी के अंदर। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको कट डाउन करने की एक टेक्निक है फिर उसके बाद इसको एक दिन जिस तरह काउंसलर्स के साथ मिलके एक दिन सेलेक्ट किया जाता है कि बस उसके बाद हम स्मोकिंग नहीं करेंगे या वो पेशेंट स्मोकिंग नहीं करेगा तो वो भी एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है फिर अपने आपको रिवॉर्ड देना उसका रिवॉर्ड करना ये भी आ, एक अहम चीज है और और क्योंकि बायोकेमिकली

वो ऐसे ऑल्टरनेटिव ऐसे मुतबाद मौजूद हैं जिनके अंदर दिमाग के अंदर मौजूद जो निकोटीन है उसकी तलब भी पूरी हो सकती है और वो तमाम मुजर असर जो कि तम्बाकू नोशी से रिलेटेड है वो भी हम कटेल कर सकते हैं या उससे भी हम अपनी बचत कर और सकते और उसकी एडिक्शन को बदरीज हम कम कर सकते हैं आहिस्ता आता आहिस्ता और जी हाँ उसके एडिक्शन को हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं या फिर कुल्ली तौर पे अगर एक स्मोकर जो है वो एक फैसला करता है तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं Uh, मैं एक एक और इस इससे रिलेटेड एक और बात पे भी टच करना चाहूंगा कि सोशल सपोर्ट कितनी ज़्यादा अहम होती है बदकिस्मती से हमारा जो सेहत का निज़ाम है ये बहुत ज्यादा मेडिकल दवाइयाँ ट्रीटमेंट्स सर्जरीज इनकी दौड़ता है और हमें देखते हैं कि जो फ्लाही रियातें हैं दुनिया के अंदर जिस तरह जिनकी ज़्यादातर मिसाल यूरोप और बरतानिया में मिलती है अमेरिका में।, में भी अमेरिका तो फलाही नहीं आप कह सकते लेकिन वहां पे ये फैसिलिटी जरूर मौजूद है तो जो फलाही रियासतें हैं वो क्या करती हैं वो केयर का निजाम भी बनाती हैं वो सोशल सपोर्ट का निजाम भी बनाती हैं वो एक बंदा जिसको मिस, मतलब मिसाल के तौर तो पर वो स्मोकिंग छोड़ चुका है लेकिन उसके बाद उसको डिप्रेशन है उसको एंगजाइटी है उसको बेचैनी घबराहट ये तमाम मामला उसके साथ चल रहे हैं और वो शायद अपने घर वालों से डिस्कस ना कर सकता हो या अपने करीब दोस्तों से बात ना कर सकता हो तो उसे एक किसी ऐसे अदारे के पास या कुछ ऐसे लोगों के अंदर जाके जो उसे जज ना करें जो उसे नॉन नॉन नौ, उसके तो वो उसको हेल्प कर सके उसको उस डिप्रेशन उस घबराहट से उसको बता सके हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम्हें बस मजीद इस काम को करते रहने की जरूरत है और तुम और उसे कायम किए जाने चाहिए इस मामले पर मतलब ऐसे इदारे हों जो सोशल सपोर्ट की और सोशल केयर की तरफ भी तो रखे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में तो यह शायद ये ख्वाब लगता है क्योंकि अभी है तो हमारी तरजीहत के अंदर आ, दूर दूर तक इस तरह की कोई नहीं है दूर दूर तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती नहीं। हम देखते हैं किस तरह से बहुत सारी और बीमारियां हैं जिस तरह डिमेंशिया है जिस तरह अल्जाइमर है जिस तरह ये न्यूरो भूल जाने की बीमारी पार्किसन है बहुत सारी ऐसी बीमारियां फालिज है स्ट्रोक है जिसमें आता है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि हो जाती हैं और उसके बाद उस बंदे की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी इंडिपेंडेंस है उस इंसान की उस पेशेंट की वो सुबह खुद उठे वो अपना खाना पीना कर सके वो अपने दिन के बाकी कुकिंग कर सके आ, आ, जो वॉशरूम रिलेटेड है वो उसको उसमें डिफिकल्टी ना हो बहुत सारे और मसाइलें हैं खुद है, वो वो खुद अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट हो सके, हो सके। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ये तमाम लोग जो कि किसी भी इस तरह की बीमारी से डिमेंशिया न्यूरोटिव नि प्रॉब्लम्स, फालेज इनके शिकार होते हैं वो आहिस्ता 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 जिंदगी से कट के रह जाते हैं और अगर तो उनके घर वाले इतने मेडिकली इक्विप्ड हों या उनके रिश्तेदार इतने उनके केयरिंग हो और मेडिकली इक्विप्ड हों तो उनकी कुछ ना कुछ केयर हो जाती है लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारी जगह आहिस्ता और ही मेरा जो लोग आज का का उस पर जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी है जो क्यों हमारे आज कल देखते हैं कि लोग जहनी तनाव का शिकार हो गए हैं आप अभी हम लाहौर में बैठे हम किसी भी बंदे से पूछेंगे तो एक आध बात के बाद बता देगा कि वो कितनी टेंशन में उसे नहीं। कितना नहीं। स्ट्रेस है या थोड़ा सा और बात करेंगे तो शायद रो भी पड़े <laughs> तो हम ये समझते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो आ, स्ट्रेस का शिकार हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वामिल जो आपने अभी गिनवाए हैं कि सोशल सपोर्ट ना होना और फिर हकूमत का तो इस बारे में कोई सीरियसनेस नहीं कह सकते उनको क्योंकि मतलब और भी काम है जो मेन इंपॉर्टेंट काम है जो एज ए सोसाइटी एज अ माशरा और जो जिसे कहते हैं कि जिंदा माशरे जिस तरह से अपने साथ वाले लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो उस हवाले से हम बात करेंगे किस तरह से एक हम अपने आसपास के लोगों की एक तो में तो खराब ना करें और दूसरी हाँ। बात के उसको अगर थोड़ा मसला को स्ट्रगल कर, तो कर सकते हैं डॉक्टर फातमा आपने ये इतना रेलिवेंट uh, टॉपिक डिस्कस किया है या जिसको उठाया है तो मैं तो स्पेशल टी के को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस हवाले से हेल्थ से मुतल ये कंसिस्टेंटली एक शो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें लोगों की अवेयरनेस के हवाले से बड़ी अहम काम कर रहे हैं आज मेंटल हेल्थ की जो आपने बात की है वो ये है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एनिग्मा या बहुत बड़ा मम्मा रहा है आ, जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं मेडिकली तो एक जमाने में ये समझा जाता था कि शायद सूरज और चांद से रिलेटेड uh, या अस्मत जज्बात का उतार चढ़ाव जज्बात का उतार चढ़ाव जो 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 कहकशाओं की ऑर्बिट्स की जो आपस में एक ओरिएंटेशन है उसकी वजह से लोग कुछ चीजें महसूस कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बंदा पागल हो जाता था या जिसको हम या जो ही ऐसे कहा जाते हैं कि लोग ये बंदा ذہنی तवजन खो बैठा है उसको लैटिन उसमें लूनैटिक भी कहते हैं है, लूनैटिक लुनेटिक से मुराद जो लूनर से निकला है या मून से, मून निकला, से। निकला है कि जी इसने मून की तरफ बहुत ज्यादा देख लिया तो इस वजह से ये दिमागी तौर पे बीमार हो गया और परेशान हो गया और अब ये लूनेटिक है तो इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शन फिर एक वक्त आया कि जहाँ पे जादू टोना चुड़ेलें जिन भूत असेब इस तरह की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। शिजोफ्रेनिया तो अभी भी इसी कैटेगरी में आता है कि शायद ये बहुत ही मतलब आगा ऐसे आगा है कि तो जैसे किसी पे किसी भूत का या सेब का, का, का साया है या खुद ही कोई एक भूत बन गया मतलब इतना इस हद तक उस पेशेंट के साथ बुरा सलूक किया जाता भिल्कुल है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब हम यहीं से अपनी बात कंटिन्यू करेंगे जी। तो अब ना हम चलते यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हुआ है व्यूअर्स हम चलते हैं ब्रेक की तरफ आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद बैक व्यूअर्स तो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ पे तो डॉक्टर साहब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हम देखते हैं कि उनमें मेंटल हेल्थ थोड़ा सा क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं ना सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स बल्कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स है ज्यादातर मेजोरिटी जो हाई कम्पिटिव फील्ड में तो लगता है कि वो काफी स्ट्रेस में चले जाते हैं और हम आए दिन सुनते हैं कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में या तो ड्रग एडिक्शन के केसेस नजर आ जाते हैं या फिर सुसाइड की तरफ भी रुझान हो रहा है तो इसकी मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम एक तो ये कि सबसे पहले जो पिछली हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि इनकी वजूहत क्या है क्यों डिप्रेशन एंगजाइटी ये क्यों एग्जिस्ट करती है और इसकी असल वजूहत क्या है तो एक तो मैं बिल्कुल एक मिनट की उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा कि हम हिस्टोरिकली तरह बात हो रही थी कि हम समझते थे कि लोगों की कॉन्सेप्ट ये थे कि ये शायद कोई असेब का मामला है या जिन चुड़ैल का मामला है और इस तरह से लेकिन अब जो जदीद मेडिकल साइंस है वो इस बात पे बेदर पे रिसर्च करके ये साबित कर चुकी है कि किसी बंदे का बाकायदा तौर पर डिप्रेशन में मौजूद होना Uh, उसकी कोई गलत काम या उसका कोई गलत एक्शन या उसके कोई गलत अकायद की वजह से नहीं है hmm. बल्कि वो दिमाग के अंदर उसके ब्रेन के अंदर मौजूद वो न्यूरो ट्रांसमिटर्स वो केमिकल्स जिनका नाम सिरोटन और डॉल्फिन Endorphin. होते हैं ये इनकी क्वांटिटी कम कम होने होने का इनकी कम होने की वजह तो शिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा कसूरवार है कि वो नीड्स का लग... शिकार कर दें क्योंकि बाकी मामला कुछ दुरुस्त नहीं है तो तुम इस वजह से तुम पे सजा हुई हुई है बिल्कुल कि तुम्हारे बाकी मामला ठीक नहीं है तो अपनी जिंदगी को कोई रेडिकली चेंज करोगे तो तुम फिर डिप्रेशन से निकल आ सकते हो या और बहुत सारी बातें हमारे में की जाती हैं तो तो है है? जो, इसका क्रेटिरिया, क्रेटिरिया है। जो, बुक है, जो और हमारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए उसमें दो मेजर क्राइटेरियाज हैं और सात माइनर क्राइटेरियाज हैं उनकी डिस्कशन बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी लेकिन बुनियादी तौर तो पे एक बंदे का मूड बहुत अरसे तक लो रहना जिसमें दो हफ्ते से ज्यादा और दिन के ज्यादातर वक्त उसका मूड लो रहना यानी उसको उदासी छाए रहना उसको किसी चीज में लगना काम करने का बिल्कुल दिल ये मजू और दूसरी चीज एनिडोनिया है एनिडोनिया से मुराद कि वो तमाम चीजें जिसमें उसको किसी वक्त मजा आता था दिलचस्पी होती थी अच्छा लगता था वो उसको मजा आना बंद हो जाए जैसे लोगों को बिल्कुल सिंपल प्लेजर्स खाना खाना वॉक करना अपने दोस्तों से गप लगाना कोई मूवी फिल्म देखना कोई इस तरह की चीज़ उसको उस चीज में प्लेजर आना प्लेजर उस चीज में उसको अच्छा फील होना बंद हो जाए तो दो हफ्ते से ज्यादा और दिन का ज्यादातर वक्त जब इस तरह से बंदा महसूस करे तो उसको हम डायग्नोज करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब जो उसका है वो उसको करेगा इस तरह के प्रॉब्लम से जी बिल्कुल ये क्योंकि हेल्थ स्पेशल में अवेयरनेस तो करते हैं लेकिन ये मेडिकल एडवाइस नहीं है हाँ. कि इसको इस्तेमाल उस तरह से किया जाए लेकिन बहरहाल उसको जो आपका साइकेट्रिस्ट है आप उससे रजू करते हैं तो वो आपको फिर डायग्नोज करेंगे कि आपको क्या मुश्किल दरपेश है आपको डिप्रेशन है या नहीं इसी तरह एंगजाइटी है एंगजायटी का भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है पैनिक डिसऑर्डर है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है इनका भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है लेकिन जो बुनियादी तौर पे हमारी इस डिस्कशन में बात समझने की है कि उस बंदे को आपने विक्टिम समझना है, है, है उस बंदे को आपने परपीटरेटर नहीं समझना अगर एक बंदा हर वक्त बेचैनी का शिकार रहता है और परेशान रहता है तो आपने ये नहीं समझना कि के जो हमारे समाजरे को पूरी असुली तौर पे समझना चाहिए कि वो शख्स इंसान बहसीत इंसान एक बुरा नहीं है और ना उसे आपको उससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए बल्कि आपको जाके समझना चाहिए कि बंदे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे और क्योंकि हम आइसोलेटेड तो नहीं रहते हम जहाँ रहते हैं हमारे हम वालदे हमारे बहन भाई हमारे रिश्तेदार हमारे फैमिली हमारा सोशल सेटअप हमारे दोस्त स्टेट uh, सब कुछ कुली तो वर्क प्लेस सब कुछ कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ और हम ये देखते हैं कि मतलब ये भी एक, एक, एक इंटरेस्टिंग बात है कि तारीखी तौर पर जब भी किसी भी माशरे के अंदर इकोनॉमिक मुश्किलात आई यानी माशी तौर पे बदहाली का सामना करना पड़ा तंग दस्ती हुई, हुई।, हुई। कहत साली हुई खुश्क साली हुई तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उस इलाके के अंदर उस जगह के अंदर लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ के क्राइसिस पैदा हुए और आजकल हम क्या देखते हैं 2023 में वर्ल्ड ओवर बहुत सारे क्राइसिस हैं जिनकी वजह से लोग बेचैनी का शिकार हैं देखते हैं किस तरह से अभी कोरोना ने हमें आ, बहुत मुश्किल से और डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की और सारी दुनिया की एक बड़ी अच्छी एफर्ट कोर्डनेटरी एफर्ट के बाद हमारी जान छोड़ी है लेकिन उसके इफेक्ट से अभी हम पूरी तरह बाहर नहीं आ सके और उसके बाद ये जो मुआशी बदहाली इस वक्त हम देखते हैं दुनिया के अंदर मौजूद है वर्ल्ड ओवर तो है ही उसमें बहुत से लोग बहुत सारे अवामिल को यूक्रेन वॉर को और बहुत सारी और चीज़ों को गर्दानते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस है पॉलिटिकल भी उसके ऊपर एक बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासी जो गैर इस्तेकामी है या हर वक्त बदलती सूरत हाल है आपको नहीं पता कि आज क्या होने वाला है कल क्या होने वाला है क्या हो होने वाला सुबह क्या होने वाला है हो तो उसमें फिर ये बहुत एक नेचुरल सी चीज है कोई भी बंदा महसूस करेगा कि अब मुझे नहीं पता कि आज से मतलब जहां पे हम, मैं बैठा हूं, ये भी सेफ है कि नहीं सेफ हमने देखा कि किस तरह से अभी जैसे अभी एक खातून थी वो कह रही थी कि मैंने एक उनके महबूब लीडर को उन्होंने पकड़ा है तो वो जेल में गए तो उनको न्यूज वो देख रही है और वो कह रही है कि मुझे फिजिकल पेन फील हो रही है मतलब मेरा साहब इतने तनाव का शिकार हो हो गए कि मुझे वो फील हो रहा है कि मतलब मैं स्ट्रेस में वो बिल्कुल रेलेवेंट है क्योंकि लोग अपने लीडरों के साथ अपने रहनुमाओं के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम, हम, हम किसी पोलिटिकल ऑरियंटेशन की बात नहीं कर रहे या हम किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहे हमारा तो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और हम हेल्थ के वाले से बात करेंगे तो उसमें मैं जो समझता हूँ यह है कि आपके बाहर के अवामिल बहुत मैटर करते हैं आपकी अपनी आ, सोच के हवाले से और आपके अपने साइकोलॉजिकल जिस जिस तरह से आप साइकोलॉजिकली दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके हवाले से तो अगर माशरे में बदाली होगी गैर अमनी होगी नासाफ़ी होगी लम्ह ब लम्हा बदलती सूरत हाल होगी हाँ। हो तो इसका लाजमी इफेक्ट ये है कि हर बंदा स्ट्रेस का और बेचैनी का और परेशानी का शिकार हो सकता हो है हो तो इसमें बुनियादी तौर पे उस बंदे का उस उस तरह से कसूर नहीं है लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है जो आप भी जानना चाहेंगी आ, ये डिस्कस करना चाहेंगी कि फिर हम क्या कर सकते हैं एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रोटेक्ट रह सकें तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके जहन में क्या आता है कोई ऑन टॉप फ्रॉम टॉप ऑफ योर माइंड कि हम क्या कर सकते हैं कोई बंदा जो कि बेचैनी का शिकार है एंगजाइटी का शिकार है वो क्या करे सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ के कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे आप नॉर्मल अपनी जो डिस्कशंस होती हैं एक आप अपना जब आम बंदा है वो अपने स्टेटस कॉन्शियस ना रहे कि हमें जी मैं कोई चीज हूँ तो उसको चाहिए कि अपने साथ जो जो उसके लोग हैं उन सबसे बातचीत करें हुँ। क्योंकि बातचीत करते हैं आइस ब्रेकिंग होती है लोगों से आपको पता चलता है मालूम होती है तो इस तरह आपको इंसानों के जो दरपेश मसाइल होते हैं उनसे भी पता चलता है कि वो किन मसाइल से मरहल से गुजर रहे हैं जिंदगी के तो बहुत सी सूरत हाल में आप खुद भी उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप और लोगों के साथ एज अ कम्युनिटी आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं कोई इस तरह फिर ये होता है कि बंदा तन्हाई का उनका शिकार नहीं होता नहीं। तो एक जो आपका सपोर्ट सिस्टम है का सपोर्ट सिस्टम होता है मगर हम देखते हैं कि लाहौर में बहुत से लोग जो है वो मतलब लाहौर में और जो बड़े शहर है उनमें आते हैं दूसरे इलाकों से वो अमूमन अकेले रह रहे होते हैं तो उनका भी जो उनके स्कूल फेलोज हैं उनके क्लास फेलोज हैं उनके कोलीग्स हैं तो एक पूरे आपको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए बिल्कुल। और हमें भी लोगों से थोड़ा बहुत और अगर कोई किसी के पास वैसे मतलब एक आ, पे, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बंदा सुसाइड भी अटेम्प्ट करता है तो उससे पहले वो कई दफा कई ना हिंट्स दे चुका होता है अपने लोगों को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तो अगर वो जो हिंट्स जिनको दिए होते हैं अगर वो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के इस तरह से बातचीत करना शुरू करें उनसे हमदर्दी थोड़ी पैदा करें तो हमें शायद मालूम हो जाए कि किस तरह से कोई हम किसकी सपोर्ट बन सकते हैं और शायद उसको एक, उसकी लाइफ का एक, बहुत मरला हो और हम उसको उसमें थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकते बहुत जबरदस्त बहुत आपने जबरदस्त ये आइडिया शेयर किया कि किस तरह से सोशल सपोर्ट बचा सकती है किसी भी ऐसे इंतहा कदम को जो कि किसी को डिप्रेशन में मुबतला इंसान आ, कर सकता है तो इसमें दुनिया भर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिस तरह से आपने बताया कि राबता कर सकता है तो सुइसाइड हेल्पलाइन फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं मौजूद है एक फोन नंबर है जहाँ लोग बात करते हैं और डिस्कस करते हैं उन्हें मदद दी जाती है कि किस तरह से वो उससे वापस आ सकते हैं लेकिन आपने सोशल सपोर्ट की बात की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में आ, बहुत सारी चीज़ें अहम है लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि दवाइयाँ जो टेबलेट्स हैं इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि अगर न्यूरोकेमिस्ट्री यानी हमारे दिमाग के जो केमिकल कम हुए हैं तो जो दिमा जो दवाई आपको आपका नॉलेज प्रिस्क्राइब करता है उसका मतलब ये है या उसका आ, उसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि वो न्यूरोकेमिकल्स आपके वापस रिस्टोर हो जाए और और इसकी बहुत सारी रिपीटेड स्टडीज हैं कि किस तरह से जो बहुत सारे दिमागी इलनेसेज हैं इनको क्योर किया गया है उन्हें बहुत रेडिकली इंप्रूव किया गया है तो दवाइयाँ एक उसकी चीज़ है दूसरा सोशल सपोर्ट जिस आपने जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक उसकी भी अहमियत है तीसरा आजकल हम देखते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ये एक बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट है जो कि शायद नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे हम देखते हैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन की बड़ी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जो महात्मा बुद्धा से लेकर अब तक चल रही है Uh, और लेकिन उसके बावजूद तो उस... सारे में किसी न, किसी ना तरह मौजूद है मेडिटेशन सारे माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस बेसिकली बिल्कुल marakba, ये सारी हैं। लेकिन अब ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ कि इन्होंने जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टीचर्स थे उनके उन्होंने न्यूरो एग्जाम्स किए और ये मालूम पड़ा कि बहुत सिंपल सी चीजें अगर आप करें तो कई दफ़ा वो आपके जो जहनी तनाव है उसको वो बेहतर कर देती है मिसाल के तौर तो अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना तो वो एक बड़ी माइंडफुल एक्टिव प्रेजेंस है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए दिन में या कुछ मिनट के लिए आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करें कंफर्टेबल पोजीशन में आप एक जगह बैठें और अपनी तमाम तवज्जो अपनी सांस की जो सेंसेशन uh, है कि एक सांस आपको आ रहा है आपका आपके नाक से वो आवाँ आवाँ आपके सीने में जाती है आपका सीना मत उस मतलब आप एग्जिस्ट करें प्रेजेंट मोमेंट में आए आ, आप उस जो सांस की जो सेंसेशन प्रें है उस पर आप फोकस करते हैं बार 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 तो उससे आपका माइंड क्योंकि बाकी सोचे था उससे एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आपको समझ आती है कि आप लम्हा मौजूद में जिसको हम प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं है। उसमें आप वापस आ है, इसको, इसको करना। आप पांच ऐसी चीजें जो आप देख सकते हैं पांच ऐसी आवाजें जो आप सुन सकते हैं कि आपको कैसी फील हो रही है बेसिकली तो, अपने माइंड को भी सिखाना की किस तरह से सोचना बेसिकली इस बात का फैसला करना की क्या चीज आ, असल है और क्या चीज है सिर्फ सोच है सोच है क्योंकि मेरे जहन में एक सोच आ सकती है कि मैं जी मैं तो इस मामले में नाकाम हूं या इस या मामले मैं में ट्रैफिक बाहर फंस जाएगी या भी ये कुछ हो जाएगा तो मतलब खौफ अगर मुस्तबिल के बारे में मैं सोचूंगा तो मुझे खौफ पैदा होगा कि मैं यहाँ से आज स्टूडियो से उठ के जाता हूँ तो खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए वो ना हो जाए ये जो चीज होनी थी ये ना हो जाए तो इसे खौफ आएगा और अगर मैं माजी की तरफ जुड़ा रहता हूँ तो मैं ये सोचूंगा अच्छा उस जमाने में दो में जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ है वो अभी तक हो रहा है 2010 में जो हुआ 2013 में तो वो हो सकता है कि एक बैगेज मेरे दिमाग के बैक ऑफ द माइंड जमा हो जाए तो उसकी वजह से मैं डिप्रेशन का अफसोस का शिकार हो सकता हूँ तो ये रिपीटेड स्टडीज uh, ये कहती हैं कि माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है और मेडिटेशन मराकबा uh, ये आपको अपनी था डी क्लटर करने और अपने आप को फोकस करने और अपनी दिमागी हेल्थ को बेहतर करने में मदद देता है तो ये वन ऑफ द टेक्निक्स है लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि जो भी ट्रिगर पॉइंट है या जिस वजह से भी किसी किसी बंदे का जो बुनियादी मसला है तो अगर एक बंदा भूखा है और उसका असल मसला उसकी खुराक है तो आप उसको जितनी मर्जी मेडिटेशन माइंडफुलनेस करा देंगे उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा दे तो। दवाई दे, दे देंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो उसका बुनियादी मसला हल करने की जरूरत है तो आप बुनियादी मसाइल लोगों के हल करें लेकिन उसके साथ साथ ये जो टेक्निक्स और ये जो मेडिकेशन और मेडिटेशन अवेलेबल है इसको भी इसको भी इस्ता करें तो आपने इससे पिछला आपने सवाल था मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से तो मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से तो वाक्यता ये बहुत बड़ा क्राइसिस है मैंने अभी रिसेंटली नाजीन को भी बताता चल जाऊंगा कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले खबर आई कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर ही में वाक है वहाँ के हॉस्टल्स के हवाले से कि वहाँ बहुत ही पसमानदा हालात थे किस तरह से बड़े बड़े हॉल्स के अंदर बहुत मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो गद्दों पे सो रहे हैं सामान उनका बिखरा हुआ है बिजली का इंतजाम नहीं है पानी आने को नहीं है खाने पीने के मसाइल हैं मेस नहीं है और बहुत ज्यादा निगलैक्ट है हालांकि अपेरेंटली वो मेडिकल कॉलेज भी उन बच्चे वो बच्चे वहां पर एडमिशन लेते हैं जो नब्बे नब्बे फीसद नब्बे फीसद का मतलब यह है कि मैट्रिक में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए है जिसका मतलब उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी उन्होंने की मेहनत की वहां पे फिर उन्होंने प्री मेडिकल में बहुत अच्छे नंबर लिए फिर एम कैट के अंदर जो उन्होंने फोकस बहुत किया क्योंकि इस एज में जब वो सोलह सत्रह अठारह साल के हैं हाँ। उन्होंने किस कदर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के वो सिर्फ अपनी पढ़ाई से जुड़ गए कि कल को हम इंसानियत के काम आएंगे इंसानियत की खिदमत करेंगे इस मकसद के लिए वो बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ के वो आते हैं इस फील्ड की तरफ बिल्कुल छोड़ छाड़ के आते हैं और जो हॉस्टल्स में रहने वाले वो लोग हैं जो कि पूरे पंजाब से डेरा गाजी खान से रहीम यार ख़ान से से बिल्कुल और जो मजे की बात इसमें है उसमें एक जिस बुनियादी इशू पे ये सारा मामला उजागर किया गया वो ये था कि कैनेडियन स्टूडेंट जो वहां मौजूद थी जो कि किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के नतीजे में वहां तालीम हासिल कर रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के उसमें तो उन्होंने जब ये सब कुछ देखा कि हॉस्टल के तो हालात इंतहाई पसमानदा अच्छा। हैं इंतहाई नागजीर हैं और बिल्कुल वहां पर गुजारा हो ही नहीं सकता फिर उन्होंने तालीम के हवाले से तो उन्होंने एक एक पूरा एक लेटर लिखा जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ हुआ है और उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या बुनियादी मिसाइल हैं जिनकी वजह से वो ये डिग्री छोड़ के वो एम बी बी एस को पाकिस्तान में एक बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे मेरिट वाले को एक तरह से खैर बात कहकर इस ख्वाब को दफन करके वो कहती है कि मैं वापस जाती मैं मे, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं जो कि बुनियादी तौर पे एक एक ऐसी चीज है जिसपे तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स पहले भी आवाज उठाते हैं और खासकर इस मेडिकल कॉलेज का जो कि आजकल इसका जिक्र चल रहा है तो उसके भी स्टूडेंट्स ने कई दफा इस पे आवाज पहले उठाई तो अब अब आप बात करें मीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की तो वहाँ की तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट का अपना उन्होंने हॉस्टल भी नहीं अलग से बना के दिया हुआ ना जी बेशक और बिल्डिंग भी पुरानी है वो काफी सारी बिल्कुल बिल्कुल उनकी बिल्डिंग भी मौजूद नहीं है बिल्डिंग भी किसी पुरानी जो बिल्डिंग पहले बटबुड रोड पे सर्विसेज की बिल्डिंग थी सर्विसेज मेडिकल कॉलेज की उससे पहले वो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी उसी बिल्डिंग के अंदर एक नया कॉलेज बनाया तो उन्हें अपनी डेजिग्नेटेड बिल्डिंग भी मौजूद नहीं है उनके बच्चों के पास वो भी एक बड़े मसाइल हैं और इसमें जाहिर सी बात है इसमें मसला है क्या मसला तरजीहत का है कि प्रायोरिटीज का, का है कि हमारी हुकूमतें और हमारे वो लोग जो बसर जो ताकतवर हैं जो बरसर अकतदार हैं उनकी तरजीहत के अंदर तालीम और मेडिकल की तालीम बहुत बहुत और अपने जूनियर्स के साथ सलूक भी एक इम्पोर्टेंस का है हम्म हम्म अपने जूनियर्स के साथ बिल्कुल ये बहुत अहम बात की आपने हम देखते हैं कि इस वक्त आ, जो हमारे आ, जो मेडिकल uh, से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं मेडिकल हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो खुद डॉक्टर हैं हमारी पिछली हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वो डॉक्टर थी तो इन लोगों को देखना चाहिए और मैंने सुना है गालबन के डॉक्टर जो करंट हेल्थ मिनिस्टर हैं Uh, उन्होंने इस पे बात भी डॉक्टर जवेद अक्रम उन्होंने इस पे कुछ एक्शन भी लिया है लेकिन तो एक आज एक एक एक्शन से ये फर्क नहीं पड़ेगा ये बुनियादी तौर पर एक स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है कि सिर्फ एक बंदा सुबह मोटो एक्शन ना ले बल्कि स्ट्रक्चरली ये बात लाजमी कराई जाए कि जब भी कोई मेडिकल कॉलेज बने या मेडिकल स्टूडेंट्स की कोई भी फैसिलिटीज बने तो वो प्रॉपर तरीके से बने और उनका प्रॉपर तौर पे आवाम पर उम्मीद करते हैं कि अगर है डॉक्टर जावेद अकरम ने ये फैसला लिया है तो होपफुली स्टूडेंट्स को उसका फायदा हो बेशक, बेशक और कोई हम पॉजिटिव चेंज देख सके इसमें तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आप आए हमारे प्रोग्राम में और आपने को होस्ट किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत ज्यादा अच्छा आप अच्छा सीखने का मौका मिला मुझे भी और हमारी उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी चीजें सीखने का मौका मिला होगा व्यूअर्स इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्ताम हुआ और इन अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मिलेंगे जब तक के लिए अपनी होस्ट डॉक्टर फातिमा फारूक और हमारे गेस्ट डॉक्टर सदुल्ला फारूक को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज बहुत शुक्रिया